Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आर सेफ एट होम. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पिलग्रिम प्रोडक्ट्स की रिव्यू. पिलग्रिम ब्रांड के बारे में आई होप आप सभी जानते हैं. मैंने उनके काफी सारे प्रोडक्ट्स की रिव्यू ऑलरेडी शेयर किया है, बट रिसेंटली दे हैव लॉन्च्ड 5 न्यू सीरम्स. तो ये जो सीरम्स है, ये बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इन सीरम्स को इस्तेमाल करने के लिए. एंड मैंने उनका एक न्यूली लॉन्च्ड सीरम यूज भी किया है. सो इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ इस वीडियो में. एक फेस वॉश भी है. सो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है. मेक श्योर वीडियो को आप पूरा देखें. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. पिलग्रिम ने रिसेंटली 5 सीरम्स को लॉन्च किया है. पहला है स्किन क्लैरिफाइंग सीरम, जो कि मैंने ऑलरेडी इस्तेमाल किया है और मैं इस सीरम के बारे में इस वीडियो में काफी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ. जैसे इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगी इस वीडियो में इस सीरम को रिलेटेड. दूसरा जो सीरम उन्होंने लॉन्च किया है वो है स्किन ब्राइटनिंग सीरम, देन एंटी एक्ने सीरम, देन लिफ्ट एंड फॉर्म सीरम, एंड लास्टली उन्होंने लॉन्च किया है हेयर ग्रोथ सीरम. सो ये जो सीरम्स है, ये पर्टिकुलर स्किन इश्यूज को टारगेट करता है और उसे ट्रीट करता है. जैसे ये जो स्किन क्लैरिफाइंग सीरम है, इसमें है कैमेलिया, नायसिनामाइड, अल्फा अर्ब्यूटिन. अल्फा अर्ब्यूटिन के बारे में अगर आपको नहीं पता, देन इट इज एक्सेलेंट टू रिड्यूस ब्लेमिशेस. अगर आपके फेस पर ब्लेमिशेस है, डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, तो उसे रिड्यूस करने के लिए बहुत ही अच्छा है. नायसिनामाइड है, विच अगेन हेल्प्स टू रिड्यूस डार्क स्पॉट्स. वो पिंपल्स की प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करता है एंड स्किन को ओवरऑल क्लियर बनाता है, क्रिस्टल क्लियर बनाता है. सो अगर आप कोई अच्छा सा नॉन स्टिकी लाइट वेट सीरम ढूंढ रहे हैं, देन डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर दिस, क्योंकि इसमें इतने सारे गुड एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं. ऑल्सो मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि पिलग्रिम्स के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे ही टॉक्सिन फ्री होते हैं. 20 टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स फ्री होते हैं पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स. FDA अप्रूव्ड होते हैं, 100% वीगन, पैराबेन फ्री, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं एंड नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स. सो आई थिंक ये जो पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स हैं, ये आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं. मेन, वुमेन, इनफैक्ट टीनेजर्स के लिए भी इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके का कोई टॉक्सिक केमिकल्स, टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं है. सो इट्स टोटली सेफ टू यूज ऑन योर स्किन. जो ये जो स्किन क्लैरिफाइंग सीरम है ना, इसकी जो कंसिस्टेंसी है, लेट मी शो यू द टेक्सचर फर्स्ट. इसका ये इस तरीके का एक ड्रॉपर फॉर्म में आता है. तो ड्रॉपर फॉर्म बहुत ज्यादा हाइजेनिक होता है, ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं, यूजर फ्रेंडली होते हैं. आई पर्सनली लव ड्रॉपर फॉर्म वाला. तो इसे आपको इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा लाइट वेट है, क्रिस्टल क्लियर इसका फॉर्मूला है. एंड जस्ट लुक एट द टेक्सचर, इतना लाइट वेट इसका टेक्सचर है. आप जस्ट इसे इस तरह से हल्का सा मसाज कीजिए एंड देन यू जस्ट सी कितना लाइट वेट है एंड बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है. इट इज नॉट एट ऑल स्टिकी. एकदम इंस्टेंटली इट गेट्स अब्सॉर्ब्ड इनटू योर स्किन. जस्ट लुक एट दिस, ये इंस्टेंटली ये अब्सॉर्ब हो गया स्किन में एंड बिल्कुल भी चिपचिपा आपको फील नहीं होगा, विच इज द बेस्ट पार्ट अबाउट यूजिंग दिस सीरम. इसीलिए इसे कोई भी, अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, तो आप इसे डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं. हाँ, बट ड्राई स्किन के लिए आपको इसके ऊपर एक मॉइस्चराइजर या डे क्रीम इस्तेमाल करना पड़ेगा. पिलग्रिम के डे क्रीम बहुत अच्छे हैं, मैंने पर्सनली उसे इस्तेमाल भी किया है. उसमें SPF भी होता है, सो आप उसे इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इफ योर स्किन इज सुपर ड्राई. बट अगर आपकी ऑयली या नॉर्मल स्किन है, देन सिर्फ इस सीरम को अप्लाई करके ही आपकी स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड, मॉइस्चराइज्ड फील होगी. एंड इसे आप दिन में दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो मॉर्निंग टाइम में एंड दूसरा नाइट टाइम सोने से पहले आप इस सीरम को अप्लाई करें. एंड ऑन रेगुलर बेसिस अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं, देन डेफिनेटली आपकी स्किन बहुत ज्यादा क्लियर होगी, आपकी स्किन रेडियंस इम्प्रूव होगी एंड स्किन टेक्स्चर, स्किन क्वालिटी भी काफी अच्छा फील होगा आपको. सो डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट ऑन दिस सीरम. 30 ml का ये सीरम है, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी भी आपको मिल रही है एंड दिस रिटेल्स फॉर जस्ट 650 rupees. आप उनके वेबसाइट को चेक कर सकते हैं फॉर मोर ऑफर्स एंड फॉर मोर डिटेल्स. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर परचेजिंग लिंक्स प्रोवाइड किया है, सारे डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है. सो मेक श्योर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें. ऑल्दो मैं इस वीडियो में एक और प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ, विच आई रिसेंटली आई एम इन लव विद दिस फेस वॉश. ये है पिलग्रिम्स
सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड वोल्केनिक लावा एश फेस वॉश। सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड जो इंटायर रेंज है उनके बॉडी स्क्रब, बॉडी बटर, मैंने काफी सारे इस रेंज के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किया था, लेकिन ये जो फेस वॉश है ये मैंने इस्तेमाल नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव यूज दिस फेस वॉश एंड ऑलमोस्ट इफ यू कैन सी ऑलमोस्ट ये यहाँ तक सिर्फ बाकी है, इतना मैंने ऑलरेडी खत्म कर दिया है इसे। सो ये ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग में भी आता है, विच इज वाई आप ट्रैवलिंग के वक्त इसे कैरी कर सकते हैं इजिली। स्किन से डर्ट, इम्प्यूरिटीज को रिमूव भी करता है और जो मेकअप रेसिड्यूज होते हैं ना उसे भी रिमूव कर देता है। जब मैं हल्का फुल्का सिर्फ कंसीलर अप्लाई करती हूँ या फिर डे टू डे बेसिस पर जो भी हम मेकअप इस्तेमाल करते हैं उसे मैं मेकअप रिमूवर से मतलब रिमूव ही नहीं करती, जस्ट इससे ही मैं फेस को वॉश कर लेती हूँ एंड पूरा मेकअप रिमूव हो जाता है, पूरा फेस क्लियर हो जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स, इसमें कोई भी केमिकल्स वगैरह नहीं है। सो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं एंड दिस इज रियली अफोर्डेबल। इसका प्राइस है 350 रुपीज फॉर 100 ml, बट आपको डेफिनेटली ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। आप उनके वेबसाइट को चेक कर सकते हैं और जितने भी परचेजिंग लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं ना तो आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई आउट तो ये नहीं करता, बट एक अलग सा हल्का सा ग्लो आपकी स्किन के ऊपर ये छोड़ता है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफी थिक कंसिस्टेंसी में है, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि क्रीम बेस्ड है या फिर जेल बेस्ड है, बट इसका कंसिस्टेंसी एकदम यूनिक है, बहुत ज्यादा थिक कंसिस्टेंसी में है। सो इजिली आपके फेस को ये क्लीन कर देता है, तो डेफिनेटली एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मेरा जो कंक्लूजन है अबाउट पिलग्रिम प्रोडक्ट्स, अबाउट देयर न्यूली लॉन्च्ड सीरम्स के बारे में, वो है कि सीरम्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, स्किन पर लाइट है, नॉन ग्रीजी, नॉन ऑयली इसका टेक्सचर है। सो हर किसी स्किन टाइप के लिए परफेक्टली वर्क करेगा एंड द बेस्ट पार्ट इज इट वर्क्स। डेफिनेटली आपके स्किन को क्लियर बनाएगा। मैंने सिर्फ स्किन क्लैरिफाइंग सीरम अभी तक तो इस्तेमाल किया है एंड दिस इज वर्किंग रियली वेल फॉर मी। काफी सारे और सीरम्स भी उन्होंने लॉन्च किए हैं तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं अपने स्किन कंसर्न्स के हिसाब से। या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।